कहानी की शुरुआत में हमें वीरान दुनिया दिखाई जाती है। दुनिया के बहुत से लोग किसी इन्फेक्शन की वजह से मर चुके हैं। जिस इन्फेक्शन ने इंसानों को मारा था, जानवरों पर उस इन्फेक्शन का कोई असर नहीं था। अब सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रही थी और फैक्ट्री बंद हो गई थी। काफी दिन तक पॉल्यूशन ना होने की वजह से नेचर ने अर्थ को दोबारा से जिंदा कर दिया था। हर तरफ हरियाली फैलने लगी थी, इसीलिए जानवर इस एनवायरनमेंट में बहुत ही आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। और वहीं कुछ लोग इस अर्थ पर अब जिंदा है जो सर्वाइवल जानते हैं। चंद इंसानों में से हम एक इंसान एडी को भी देखते हैं। वह बचपन से ही अपनी मॉम के साथ रहता था, पर बाकी वजह से उसकी मॉम भी मर गई। और वह सर्वाइवल इसलिए कर पाया क्योंकि उसके अंकल बचपन से ही उसे सर्वाइवल वाले बुक्स भेजा करते थे और उन किताबों की वजह से ही आज एडी सर्वाइवल कर पा रहा है। वह अब अपने घर में नहीं रहता क्योंकि उसका घर एक कबाड़ बन चुका है। सिर्फ उसी का ही घर नहीं बल्कि यहाँ पर हर चीज ऐसे ही खराब हो चुकी है। वह अपने घर के बाहर एक छोटे से बंकर में रहता है। उसके पास खाने पीने का कुछ सामान तो है, लेकिन यह ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलने वाला। इसीलिए वो हर रोज अपनी साइकिल पर बैठकर आसपास के इलाके में खाने और जरूरत का सामान ढूंढने के लिए जाता है। और इस काम के दौरान घर के अंदर डेड बॉडीज का मिलना उसके लिए आम बात हो चुकी है। एडी भी अपने इलाके में रहने वाला एक अकेला इंसान है और उसने अपना सारा इलाका छान लिया है। इसके इलाके में उसकी जरूरत का सामान जैसे अब खत्म हो चुका है। उसके पास सिर्फ एक साइकिल है। वह ज्यादा दूर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे डर है कि अगर दूर जाने पर उसे कोई इंसान मिल गया तो शायद वह भूखमरे के कारण उसे ही ना मार कर खा ले। एडी बेचारा अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। वो टाइम पास करने के लिए मोबाइल भी नहीं चला सकता था क्योंकि दुनिया में बिजली भी नहीं रही थी और ना ही बिजली बनाने वाले रहे थे। उसके पास जितनी किताबें थी उसने सारी पढ़ डाली थी और वो अपना टाइम पास करने के लिए गार्डनिंग करता है। काफी मेहनत के बाद वो थोड़ी सी सब्जियां उगा पाया था और इसीलिए वह बहुत ज्यादा खुश था। रात में वह चांद के नीचे लेटा होता है कि अचानक उसे कुछ कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो डर कर अपने बंकर के अंदर वापस चला जाता है। सुबह होने पर रूटीन के मुताबिक उसने अपने किल्ली और वो जरूरत के सामान की तलाश में निकल गया। उसे एक घर की छत पर छोटा सा सोलर पैनल मिला जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसे घर लेकर आता है और उससे अपना फोन चार्ज करता है। फोन चार्ज होने के बाद वह गाने सुनता है और मजे करता है। इसके बाद वो फोन में अपनी मॉम की वीडियो देखता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो काफी वर्ष के बाद अपनी मॉम को देख रहा था पर फिर भी उनसे बातें नहीं कर सकता था। वो ये वीडियो तब तक देखता है जब तक उसका फोन बंद नहीं हो जाता। इसके बाद दोबारा गार्डनर में जाता है तो पता चलता है कि रात में जो आवाज उसे सुनाई दी थी वो जानवरों की आवाजें थी और उन्हीं जानवरों ने उसकी उगाई सारी सब्जियां तबाह कर दी। ये सब देखने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। उसकी सारी उम्मीदें अब खत्म हो गई थी। वह अब इन सब्जियों के बीजों को इकट्ठा कर लेता है। वह इनसे दोबारा सब्जियां उगा सकता था लेकिन दोबारा खाने के लिए इतने लंबे अरसे का इंतजार करके यह बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देती है और गुस्से में वह अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार देता है। उसकी जख्म से खून भी निकलने लगा जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा उसके अंदर भी बढ़ जाता है और वो मर भी सकता था। इसीलिए वो अपने सर्वाइवल की किताबों में से कुछ तरीके निकाल कर अपने लिए मेडिसिन बनाता है और अपने जख्म पर लगाता है। रात में वो अपने अंकल और आंटी की फोटो देखकर सोचता है कि यह भी तो जिंदा हो गए, इनकी वजह से तो मुझे सर्वाइव करना आता है और वह तो कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहे होंगे। वह अब सोचता है कि क्यों ना मैं भी इनके पास चला जाऊं, ऐसी जिंदगी शायद थोड़ी आसान हो। पर एक साइकिल के जरिए ये काम करना मुश्किल था। वो पहले पूरा प्लान बनाता है, एक रोड मैप के जरिए एक रोड डिजाइन करता है जिसको फॉलो करते हुए वो अपने अंकल के घर तक जाएगा जिसमें भी 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। अगर सब कुछ सही रहा तो यह रात अब उसके लिए बहुत ही मुश्किल थी क्योंकि उसे अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था जहाँ उसे काफी सारी चीजें जमा करनी थी। वो अगली सुबह निकल जाता है। वह सुबह से शाम तक साइकिल चलाता था, रात होने पर टैंक लगाकर सो जाया करता था और जो उसके पास खाने पीने की चीजें थी उनका वह रास्ते में इस्तेमाल कर रहा था। और अच्छी बात यह थी कि अगर एडी को रास्ते में कोई बिल्डिंग मिल जाती थी तो कुछ चीजों का इंतजाम तो वहाँ से भी हो जाता था। एक हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात जब सोकर उठता है तो देखता है कि हिरण उसका सारा पानी बर्बाद कर चुकी है, साथ ही उसका सोलर चार्जर
चार्जर भी हिरण ने तोड़ डाला है, जिसकी मदद से वह अपना फोन चार्ज कर पाता था। यह देखकर उसे इतना गुस्सा आता है कि वह अपने पिस्तल की सारी गोलियां फ्यूल में चढ़ा देता है, जिसके बाद वो खूब अफसोस करता है कि ये उसने क्या कर दिया। वह आगे बढ़ता रहा और रास्ते में उसे एक रिवर मिली, जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि पानी का इंतजाम तो दोबारा से हो चुका था। पानी इकट्ठा करने के बाद वह यहाँ से निकला और एक अच्छे रास्ते के ऊपर चढ़ गया। साइकिल को तेज चला रहा था तभी अचानक उसकी साइकिल डगमगाकर एक गड्ढे में गिर जाती है। ये गड्ढा कुछ चीजों से ढका हुआ था, जिसका साफ मतलब ये था कि किसी ने यह ट्रैप बनाया था। वो इस गड्ढे से बाहर निकलने की भी कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। उसने बहुत से फ्लेयर गन जलाए कि कोई तो उन्हें देखकर उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। सुबह होने पर वो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है। एडी बगैर कुछ सोच समझे उसके ऊपर गोली चला देता है। यहाँ जो इंसान थी वो एक लड़की थी और वो एडी की गोली से बच भी गई थी। ये लड़की एडी से कहती है कि तुम अपने हथियार मुझे दे दो, मैं भी तुम्हारी इस गड्ढे से निकलने में मदद करूंगी। पहले एडी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब उसे लगता है कि इसके अलावा उसके पास कोई और चारा भी नहीं है तो वो गन उस लड़की को दे देता है। लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि गोलियों के साथ उस लड़की को गन दे और वो लड़की उसे मार दे। गन लेने के बाद यह लड़की एडी से कहती है कि तुम साबित करो कि तुम इन्फेक्टेड इंसान नहीं हो। इस बात पर एडी अपनी शर्ट ऊपर करके उसे दिखाता है। उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं था जो इन्फेक्शन की वजह से हो। वो उसे अपनी बॉडी दिखाकर तसल्ली करती है कि उसे भी किसी तरह की कोई इन्फेक्शन नहीं है। तब एवा एडी को गड्ढे से बाहर निकाल लेती है और उसे गोलियां देने को कहती है, लेकिन एडी इनकार कर देता है। यह लोग सो जाते हैं और अगली सुबह जब एडी उठता है तो एवा ने उसके गले पर चाकू रखा हुआ था, उसके गोलियों के बारे में पूछ रही थी। एडी जैसे ही उसे गोलियों का बताता है तो वह गोलियां गन में डालकर वहां से भाग जाती है। एडी को समझ नहीं आ रहा था कि एवा ने ऐसा क्यों किया। अचानक उसे तीन इंसानों की आवाज आती है। यह समझ जाता है कि एवा इंसानों से बचकर भागी थी। इन तीनों आदमियों के पास हथियार थे और ये तीनों ही काफी जालिम लग रहे थे। इनसे बचने के लिए एडी घास के अंदर छुप जाता है, जबकि दूसरी तरफ एवा पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई थी। उसने इन तीनों के ऊपर गन तानी हुई थी, जबकि इन लोगों को यहाँ पर एडी का कैंप नजर आ गया था। यह लोग पता चलाना चाहते थे कि आखिर इस कैंप में कौन रहा होगा। एडी सोचता है कि इस कैंप के मालिक का पता चलाते चलाते यह लोग सामने पेड़ पर बैठी एवा तक पहुँच जाएंगे, उसकी जान को खतरा हो जाएगा। इसीलिए वह जल्द ही कुछ फूलों के जरिए अपने जिस्म पर इन्फेक्शन जैसे निशान बनाता है और ऐसी जगह जाकर लेट जाता है जहाँ से उन्हें वो नजर आए। ये लोग जब उसके करीब आते हैं तो उन्हें लगता है कि एडी इन्फेक्शन की वजह से मर चुका है, यानी एडी का प्लान वर्क कर गया था, क्योंकि आदमियों को कैंप के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए यह लोग वहां से चले गए। एडी और एवा ने दोबारा अपना कैंप लगाया और यहां एडी को पता चला कि एवा प्रेग्नेंट है। वो एवा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, जिस पर वह बताती है कि वो मर गया। यह दोनों उन आदमियों से बचने के लिए एक खंडेर में जाकर छुप जाते हैं। एडी दूर कहीं से जाकर दो साइकिल्स का इंतजाम करके लाता है और उसने फैसला किया था कि अब वो एवा को भी अपने साथ लेकर जाएगा। आधा सफर एडी तय कर चुका था। अब एडी के अंकल के पास जाने में उन्हें सिर्फ एक ही हफ्ता लगना था, लेकिन उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसके मुताबिक एडी के अंकल जिस एरिया में रहते थे वो एरिया बिल्कुल सेफ नहीं था। लेकिन एडी को तो अपने अंकल पर पूरा भरोसा था। वो एवा से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। अब एवा के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं तो वो भी मान गई। यह दोनों निकल पड़ते हैं। एवा को साइकिल चलाना अच्छे से नहीं आती, इसीलिए उनको काफी टाइम लग रहा था, लेकिन एडी ने उसका पूरा साथ दिया। अब इनकी रूटीन यह चल रही थी कि यह पूरा दिन साइकिल चलाते थे, थोड़ा बहुत शिकार करते थे और रात में अपने शिकार को पकड़कर खा जाया करते थे, क्योंकि पहले जो खाना उनके पास था वह तीन लुटेरों ने इनसे लूट लिया था। लेकिन एडी अब भी खुश था
क्योंकि एटलीस्ट उसे एवा की शक में एक साथी तो मिल गई थी। एडी एवा को पसंद करने लगा था, इसीलिए उसे अब सब कुछ काफी खूबसूरत लग रहा था। पर वह इस बात से अनजान था कि वो तीन बुरे आदमी अभी भी इनके पीछे पड़े हुए थे। एडी एवा का बहुत ख्याल रख रहा था, इसीलिए एवा को भी एडी पसंद आने लगा था। रास्ते में एवा और एडी को एक तालाब मिलता है। एडी तालाब में स्विमिंग करने के लिए जंप करता है। वह जब स्विमिंग करके बाहर निकलता है तो सामने उसे अपने पीछे पड़े तीन आदमियों का एक साथी नजर आता है, जो इसे एवा के बारे में पूछता हुआ कहता है कि हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम हमें सिर्फ एवा के बारे में बता दो, एवा को हमारे हवाले कर दो, हम एवा को नहीं मारेंगे क्योंकि एवा इनके लिए एक रिसोर्स की तरह काम कर रही है। एवा का जो बेबी पैदा होगा उन्हें ये लोग खा लेंगे। अब यह बात समझ चुका था कि एवा इन्हीं लोगों से बचकर भाग रही थी क्योंकि यह एवा के साथ जुल्म कर रहे थे। वह आदमी दोबारा एडी से बात करता है और कहता है कि अगर तुम्हें जान प्यारी है तो तुम एवा को छोड़ दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे क्योंकि सर्वाइवल के खेल में कंपटीशन तो होता ही नहीं। इतनी बुरी बातों के बावजूद भी एडी नहीं डरता। वो एवा को लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है और फाइनली कुछ दिन के सफर के बाद वो लोग अपने अंकल के घर पर पहुंच जाते हैं। एवा यहाँ पहुंचकर बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसे सोने के लिए एक बेड मिल रहा था और खाने के लिए कुछ खाना। लेकिन यहाँ एडी काफी परेशान था क्योंकि उसे अभी तक घर पर उसके अंकल नहीं नजर आए थे। वह जब घर से बाहर निकलता है तो उसका डर सच में बदल जाता है। उसके अंकल भी मर चुके थे और घर के बाहर उनकी एक कब्र बनाई थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी मिट जाती है। उसने तो अंकल के भरोसे उन तीनों आदमियों से दुश्मनी मोल ली थी। एडी इन सारी बातों को लेकर उदास और परेशान हो जाता है। वह एवा के पास जाता है और उन आदमियों की सच्चाई पूछता है। एवा इस वक्त कुछ नहीं छुपाती और उसे बताती है कि जब उन तीनों का भाई उसके साथ ज्यादा दत्ती कर रहा था तो वह उसे मारकर भाग आई। यह तीनों उनका पीछा कर रहे थे लेकिन एवा ने एडी को कुछ नहीं बताया और इसीलिए इन दोनों के दरमियान एक लड़ाई हो जाती है। एवा रोती रह गई और एडी अपना कुछ सामान लेकर घर से बाहर चला गया, जहां उसका सामना अब उस तीनों आदमियों से हुआ। वह तीनों आदमी एडी के ऊपर गन तान कर उससे कहते हैं, तुम एवा को हमारे हवाले कर दो, अगर तुम चाहो तो हम एवा को शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि यह नई दुनिया का नया रोल है। तब एडी इनके गंदे इरादों में नहीं मिलना चाहता। वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागता है और भागने से पहले हवा में एक गोली चला देता है ताकि एवा जाग जाए और अपनी जान बचा ले। यहाँ एडी जब भागने की कोशिश कर रहा था तब एक आदमी उसे पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो एडी को मार देता, पीछे से कोई आकर इस आदमी को ही मार देता है। वह एडी की आंटी थी। अब बचे थे दो आदमी जिनमें से एक एवा के पास पहुंच गया था और दूसरा इनको मारने के लिए इनकी तरफ भाग ही रहा था कि उसी समय आंटी के लगाए एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है और बेचारे की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब एडी और एडी की आंटी एवा को बचाने के लिए उनके पास जाती है लेकिन दूरी से एवा के पास खड़ा हुआ बुरा आदमी इनके ऊपर गोली चला देता है जो एडी की आंटी के शोल्डर में लग जाती है। वो आदमी एक और गोली चलाकर एडी को ना मार दे। तब एडी वहां से भागता है और मौके का फायदा उठाकर यह आदमी एवा ऊपर अपना गुस्सा उतारने लग जाता है। वो उसके पेट पर जोर जोर से टांग मारता है। एडी छुपा हुआ यह सब कुछ देख रहा था। वह थोड़ा सा शोर मचाकर इस बुरे आदमी का ध्यान भटकाता है और मौका पाते ही एवा पीछे से एक तीर मारकर इस आदमी की कत्ल कर देती है। फाइनली सारा खतरा इनके ऊपर से खत्म हो जाता है और ऐसे एडी, इवा और उसकी आंटी एक फैमिली बनकर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपको मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।